स्टूडेंट्स आज कैलकुलस का लैक्चर नंबर 14 करन जा रहे हैं कॉन्टीन्यूटी। तुसीं प्लस टू जी पढ़ चुके हो बट थोड़ा ही एडवांस हुण पढ़ा गया आपां बीएससी विच। सब तो पहला डेफिनेशन समझते हैं कॉन्टीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। की है डेफिनेशन, की है डेफिनेशन अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूज एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। जदों तुसी ग्राफ ड्रॉ करो तो कॉन्टीन्यूसली चलता जाए, कितने भी ब्रेक ना होए, तो फिर असी कहांगे फंक्शन कॉन्टीन्यूस या मैथमेटिकली असी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। जे तुसी लैफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ये होगी साड़ी लैफ्ट लिमिट मस्ट बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट पॉइंट ए, फंक्शन एट पॉइंट ए। ये तिने इक्वल होने चाहिए, लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन द वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए जे सेम आ जाए तो असं कहे फंक्शन कॉन्टीन्यूज है, कितने भी ब्रेक नहीं हो रहा। हुण डिसकॉन्टीन्यूज कदों होना, जदों इस लिमिट की वैल्यू एफ ए दे जे इक्वल नहीं आती तो असं कहे फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूज, कह मीनिंग है फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूज। इहदी अगे टाइप्स होंदियां डिसकॉन्टीन्यूटी दियां, कीड़ी-कीड़ियां टाइप्स होंदियां हुण आपां ओह पढ़ने की कोशिश करांगे। फस्ट टाइप आ कि जे ये लिमिट तां एग्जिस्ट करे बट वह एफ ए दे इक्वल ना होवे, उहनूं असीं कहिंदे आ रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। उस तों बाद आ जी डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, उहदे च की हुंदा कि लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तां करदियां बट यही इक्वल नहीं होंदियां। लैफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना आन, उन्हों से कहने डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। उस तो बाद आता जी डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड, उहदे च की हुंदा लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट इन्हां चों कोई एक जां दोवें एग्जिस्ट ही ना करन, जां तां इह होवे कि लैफ्ट लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, ये हो सकता कि राइट लिमिट एग्जिस्ट ना करे, हो सकता दोवें एग्जिस्ट ना करन, वो आता डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड। मैं फिर एक बार रिपीट करा, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी की होंगे कि ये लिमिटा तो एग्जिस्ट कर जान दोवें ही बट एफ ए दी इक्वल ना आन। दूसरा डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, उहदे च की हुंदा, उहदे च इह हुंदा कि लिमिट तां इह एग्जिस्ट करदियां होण बट इक्वल ना होण। चलो मैं लिख के समझाउण दी कोशिश करदा कि तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाए। सब तो पहला असीं पढ़ांगे डिसकॉन्टीन्यूटी, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। सब तो पहली है जी रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। उहदे च की हुंदा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू एफ ए, जां ए कह लो, और जे तुसी लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करदे आ ए एग्जिस्ट भी करन, लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड बराबर भी आ जाण, बराबर भी आ जाण बट एफ ए दे इक्वल ना आन, तो असीं कहांगे फंक्शन की है रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूज है। कहड़ा रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी है, सैकेंड ए सी फस्ट। सैकेंड डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। ये की हुंदा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स एंड ये की हुंदा
एग्जिस्ट करना एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट बट होवे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस कहने का मीनिंग है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ना आन एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स ये है जी लैफ्ट लिमिट जो ए माइनस पाने लैफ्ट लिमिट है जो ए प्लस पाने वो राइट लिमिट आ जो लैफ्ट तो राइट लिमिट इक्वल नहीं आती उन्होंने असं कहने डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एग्जिस्ट ये भी करती है बट उन्होंने आंसर सेम नहीं आए तो असं कहेंगे डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड हूँ असं थर्ड पढ़ने जा रहे हैं डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड थर्ड टाइप है जी थर्ड डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड उधर की होंदा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट ही ना करना चाहे लैफ्ट लिमिट ना एग्जिस्ट करे चाहे राइट ना एग्जिस्ट करे चाहे दोवें ना एग्जिस्ट कर तो असं की कहेंगे ये डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ सैकेंड काइंड है हूँ कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं ता जो तुहानू कॉन्टीन्यूटी समझ आवे पहले फिर असी डिसकॉन्टीन्यूटी नाल रिलेटेड भी क्वेश्चन करांगे सब तो पहला मैं एक फंक्शन लिखदा एफ एक्स सपोज करो एक फंक्शन गिवन है एक्स स्केयर माइनस वन एक्स माइनस वन इफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वन एंड वैन एक्स इज इक्वल टू वन तो फंक्शन की वैल्यू आ थ्री इनू असी चैक करना कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज आ जा डिसकॉन्टीन्यूज आ तो सब तो पहला असं की करांगे लिमिट फाइंड करांगे यदा सोल्यूशन इस फंक्शन असं चैक करना कि यह कॉन्टीन्यूज है ज नहीं सो लिमिट किहड़े पॉइंट ते चैक करना असी देखो फंक्शन वन ते ब्रेक हो रहा फंक्शन वन ते ब्रेक हो रहा तो सानू ये कहणगे कि चैक करो कि फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन कॉन्टीन्यूज है जा नहीं असी वन ते चैक करांगे क्योंकि वन ते फंक्शन ब्रेक हो रहा वैसे गिवन होएगा कि एक्स इज इक्वल टू वन ते चैक करो कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज है जा नहीं सो असी लिमिट फाइंड करांगे देखो एक्स टेंडिंग टू वन एक्स वन वल अप्रोच कर रहा एक्स वन वल अप्रोच कर रहा जे वन वल अप्रोच कर रहा सो वन इक्वल तो हो नहीं सकता सो एक्स नॉट इज इक्वल टू वन मैं ये कह रहा एक्स टेंडिंग टू वन हजे जा रहे हैं वन वल हजे पहुँचे नहीं सो एक्स नॉट इज इक्वल टू वन सो फंक्शन की वैल्यू ए वाली असी कंसिडर करांगे एक्स स्केयर माइनस वन एक्स माइनस वन वैल्यू पुट करोगे एक्स टेंडिंग टू वन सो इन फैक्टराइज कर लो तुसी एल होस्पिटल रूल भी ला सकते हैं जदों एल होस्पिटल रूल कदों लगाना वो की होंदा तुहानूं शायद पता ही होएगा देखो ये लिमिट नूं पुट करके देखो वन माइनस वन जीरो नीचे भी वन माइनस वन जीरो उपर भी जीरो नीचे भी जीरो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बनती होवे चाहे इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बनती होवे उस केस विच असीं एल होस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं उस की करना होंदा उपर भी डिफरेंशिएशन कर देनी अलग नीचे भी डिफरेंशिएशन कर देनी दैन अपलाई लिमिट्स वो भी असीं करांगे हाँ जी ये वाला फैक्टर कैंसल आउट हो गया बाकी की बचिया लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन एक्स प्लस वन बचिया इतने पुट करोगे तो वन प्लस वन आंसर आ गया टू सो नाओ हूँ असी फाइंड करांगे एट एक्स इक्वल टू वन लिमिट किन्नी है वो तो सानू गिवन ही है थ्री एफ वन कि थ्री सो मैं की देख रहा एक्स टेंडिंग टू वन एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स की लिमिट नॉट इज इक्वल टू एफ वन आई क्योंकि जे एक्स टेंडिंग टू वन एफ एक्स फाइंड किया तो आंसर आया साढ़े को टू जे मैं एफ वन देख रहा वह आंसर आया थ्री सो नॉट इज इक्वल टू एफ वन सो ये कि डिसकॉन्टीन्यूटी होगी रिमूवेबल होगी रिमूवेबल क्यों होगी जे असी थोड़ी जी चेंज कर लीए एक्स इज इक्वल टू वन किस तरीके रिमूव किया जा सकता इस डिसकॉन्टीन्यूटी जे असी थ्री की थान पर जे इतने टू लिख दिए तो फिर यदा
जो आंसर आया साढ़े को लिमिटिंग वैल्यू टू जो इतने टू कर दिए उस केस असी कहे कि फंक्शन कॉन्टीन्यूज आ बट इतने हूँ क्योंकि इक्वल नहीं आए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो असं कहे ए एफ एक्स की आ सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूज आ डिसकॉन्टीन्यूज आ एट एक्स इज इक्वल टू तो वन जो कोई पुछ लो कि डिसकॉन्टीन्यूटी है तुम कहोगे रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी आ ये कि डिसकॉन्टीन्यूटी होंगी है रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी जो लिखना तुम लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूज आ हाँ जी उस तो बाद हाँ जी जे सपोज करो इतने टू हों सपोज करो इतने टू हों फिर की होना सी फिर असं की लिखते फिर ये आ गई इक्वल फिर असं कहना सी फंक्शन की आ कॉन्टीन्यूज आ फिर असं कहना सी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज ठीक है एट एक्स इज इक्वल टू वन तो जे नॉट इक्वल टू आ गया तो असं कहे रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी आ नैक्सट क्वेश्चन देखो लैफ्ट ते राइट लिमिट किस केस विच फाइंड करनी जदों तुहाडे कोल इनइक्वैलिटीज गिवन होण चाहे इंटैगरल पार्ट का क्वेश्चन आ जाए चाहे क्वेश्चन आ जाए मॉडुलस का उन्हां केसिस विच असीं लैफ्ट ते राइट लिमिट फाइंड करांगे जां कुछ होर केसिस भी हुंदे आ उह असीं डिस्कस करांगे नैक्सट क्वेश्चन हुण आपां लिखीए नैक्सट क्वेश्चन है जी सैकेंड पार्ट फस्ट क्वेश्चन का टू सी एक्सरसाइज शुरू की है जी आप फंक्शन आ एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो वैन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो फंक्शन की वैल्यू आ जी साढ़े को जीरो असी हम चैक करना कि ये कॉन्टीन्यूज आ जा नहीं किस पॉइंट चेक करना एट एक्स इज इक्वल टू जीरो असी चेक करना तो सब तो पहला देखो मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया असी लैफ्ट भी लिमिट लवेंगे राइट भी लिमिट लवेंगे सब तो पहला लैफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करांगे लैफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट एक्स टेनिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स ठीक है जी वैल्यू पुट करांगे लिमिट एक्स टेनिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स की वैल्यू है जी मॉडुलस एक्स ओवर एक्स मॉडुलस एक्स ओवर एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो जो जीरो टेंड करता पे कहता मीनिंग है कि जीरो दे हजे इक्वल तो होया नहीं सो ए वाली वैल्यू लवेंगे हुण जिवें कि मैं पहले समझा चुके हाँ एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस आ इहदा मीनिंग की हुंदा एक्स लैस दैन जीरो हजे जीरो तो पिछे ही है हजे असी लैफ्ट तो टेंड कर रहे जीरो नूं ए कंसैप्ट भी समझो इत्थे जीरो आ देखो जे मैं इस साइड तो अप्रोच कराँ जीरो नैगेटिव वाली साइड तो मैं आ रहा जीरो वाल जा रहा इनू असी कहने एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो तो पिछे हैं जीरो टेंड करते पे हैं फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड राइट लिमिट की होना असी राइट वाले पास्यों आना ठीक है जी उधरों आ रहे हैं असी जीरो अप्रोच करते पे हैं वो ये वाला केस होएगा प्लस वाला वो प्लस वाला होएगा ठीक है हुण तुसीं मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं की सी डेफिनेशन एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो माइनस एक्स इफ एक्स लैस दैन इज इक्वल टू जीरो ये डेफिनेशन असी अप्लाई करनी असी वो वाला मैथड नहीं अप्लाई करना कि पुट एक्स ए प्लस एच उस मैथड वाल नहीं असी जाना असी अलग ही पैटर्न के नाल क्वेश्चन करने वो किस तरीके देखो जी एक्स लैस दैन जीरो आ एक्स लैस दैन जीरो आ तो दैन मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होंगी है माइनस एक्स असी मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन अप्लाई करांगे जे एक्स ग्रेटर दैन जीरो आ तो मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होएगा जे एक्स लैस दैन जीरो आ तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स के इक्वल होएगा डायरैक्ट हाँ जी सो ये वैल्यू पुट कर दोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस कितनी वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स नाल एक्स कैंसल आउट हो गए तो साढ़े को आंसर आ गया माइनस वन एक स्टैप होर लिख दोगे तो मच बैटर होएगा इस तरीके माइनस वन सो आंसर आ गया माइनस वन हुण असी फाइंड करांगे राइट लिमिट हुण असी फाइंड करांगे राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस सॉरी जीरो जीरो प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स
फिर असी देखांगे कि एक्स जीरो टेंड करता जीरो प्लस नूं, इहदा मीनिंग की है एक्स ग्रेटर दैन जीरो। जे एक्स ग्रेटर दैन जीरो आ तां डेफिनेशन की कहिंदी, जे एक्स ग्रेटर दैन जीरो आ तां मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है एक्स, वो पुट कर दोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स ओवर एक्स, एक्स नाल एक्स कैंसल आउट, आंसर आ गया वन। सो लैफ्ट हैंड लिमिट आई माइनस वन, राइट हैंड लिमिट आई मेरे को वन। सो लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, लिमिट एग्जिस्ट नॉट इक्वल, केड़ी डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, केड़ी डिसकॉन्टीन्यूटी होगी, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। सो फंक्शन तो कॉन्टीन्यूस होया ही नहीं, जे ए इक्वल आंदे लैफ्ट हैंड ते राइट हैंड लिमिट इक्वल आंदी, फिर असी देखना सी कि फंक्शन दी इक्वल आए। सपोज करो इहदा आंसर जीरो आंदा, इहदा भी जीरो आंदा, फंक्शन दी वैल्यू भी जीरो आ, फिर असी कहना सी, फिर असी की कहना सी, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। हुण असी की कहांगे, हुण असी इह कहांगे कि लैफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू राइट लिमिट, सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये भी कह सकते हैं डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड, डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड कह सकते हैं असं, क्योंकि दोवें लिमिट्स लैफ्ट तो राइट एग्जिस्ट कर गई बट इक्वल नहीं आई, तो असं कहे डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। ठीक है जी, ये तुहानू कॉन्सैप्ट भी क्लीयर हो गया। हुण असी होर एक क्वेश्चन करन दी कोशिश करते हैं तां जो तुहानू चंगी तरह ये कॉन्सैप्ट समझ आ जाए। हाँ जी, होर क्वेश्चन आपां देखिए, हाँ जी होर क्वेश्चन देखिए। चलो मैं मॉडल्स नाल रिलेटेड एक होर क्वेश्चन करा देना जब तां जो तुहानू चंगी तरह समझ आ जाए। जिस तरीके आ क्वेश्चन है जी, थर्ड पार्ट है जी, फंक्शन गिवन हैगा जी टू मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्केयर ओवर एक्स, नीचे है जीरो, इतने हैगा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, तो इतने एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो असी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो चेक करना। सब तो पहले लैफ्ट लिमिट एक लाइन लगा लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस टू मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। फिर असी लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करांगे, सॉरी मॉडुलस की, एक्स टेंड टू जीरो माइनस एक्स लैस दैन जीरो, यदा मीनिंग की होया जीरो तो पिछे ही असी हजे लैफ्ट विच ही हाँ, जे तो फिर यदि वैल्यू की होंगी माइनस ऑफ एक्स, पुट कर दोगे एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस टू, किन्नी वैल्यू आई माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स कॉमन करके कैंसल आउट कर दोगे। एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, जिमें कि मैं पहले मैनशन कर चुके हैं, इतने आ जाएगा माइनस टू, इतने आ जाएगा एक्स, इतने आ जाएगा एक्स, एक्स सॉरी इतने आ गया वन, एक्स तो कॉमन करके असी कैंसल आउट करता, एक्स नूं जीरो पुट करोगे माइनस टू आंसर आया। दूसरी साइड पर लिमिट जीरो प्लस एफ एक्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, इतने पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, किस तरीके आएगी मैं वो भी एक्सप्लेन करदा, किस तरीके आएगी, क्योंकि एक्स टर्निंग टू जीरो प्लस एक्स ग्रेटर दैन जीरो, सो मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर नहीं एक्स, लिमिट एक्स टर्निंग टू जीरो प्लस वन, इतने रह गया टू, एक एक्स कैंसल आउट कर रहे हैं असं, तो आंसर आ गया टू। सो लैफ्ट लिमिट आ गई माइनस टू, राइट लिमिट आ गई टू, सो लैफ्ट हैंड लिमिट, सो लैफ्ट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टीन्यूस, केड़ा ऑफ फस्ट काइंड, जदों लैफ्ट राइट इक्वल ना हो असं कहने डिसकॉन्टीन्यूटी ऑफ फस्ट काइंड। नैक्सट क्वेश्चन मैं करवा रहा जी, सिक्स पार्ट करवा दें, क्वेश्चन
six part विचों विचों क्वेश्चंस करा रहे हैं जी किसी कोई